शख्सियत है और मैं यूट्यूब के चैनल पर से दुबई दुबई के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं इस्लामाबाद में आई हुई हूँ और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने के लिए IBCC जा रही हूँ। और पहले जो मेरा बोर्ड है जहाँ से मैंने मैट्रिक किया है और इंटर किया है, वहाँ मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए हैं। 2 डेज़ में वो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट हो गए हैं। और जो सेकंड स्टेप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक और इंटर की डिग्री बोर्ड से टेस्ट करवाने के बाद आपने IBCC से टेस्ट करवानी है, तो आज मैं भी IBCC से इसको टेस्ट करवाऊंगी और जो भी प्रोसेस होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं दूसरा क्लिप शूट करूंगी। जब मैं IBCC के ऑफिस पहुँचती हूँ तो वहाँ जाकर फिर दूसरा क्लिप शूट करूँगी। अभी मैं रास्ते में हूँ और जा रही हूँ यहाँ से, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं IBCC के ऑफिस में बैठी हुई हूँ और यहाँ पर लेडीज़ विंडो है। लेडीज़ विंडो ज़रा दिखाएँ, लेडीज़ विंडो है जहाँ लेडी खड़ी है, ऑलरेडी लेडी खड़ी हुई है। और इधर लेडीज़ विंडो से मैंने इनसे इंफॉर्मेशन ली है, इनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इन्होंने मुझे बोला एक चालान फॉर्म दिया है जो मैंने फिल किया है, 800 रुपीज़ 200 पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। और साथ में इन्होंने मुझे कहा कि NIC की यानी कि ID कार्ड की कॉपी लगानी है और साथ फ़ोटो स्टेट लगानी है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की। दो चालान फॉर्म दिया उन्होंने मुझे और एक ये मैंने फॉर्म दिया, मुझे विजिबल हो रहा है ये फॉर्म इन्होंने मुझे दिया है फिल करने के लिए, तो मैंने इसको फिल कर लिया है, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इनको सबमिट कराऊंगी और फिर ये मुझे बताएंगे कि कब मुझे ये डॉक्यूमेंट्स जो है टेस्ट करके मिलेंगे। तो आपकी सहूलत के लिए ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्लिप शूट कर रही हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको क्लियर हो कि कोई इशू नहीं है, इतना खास इशू नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे लड़कियाँ घर में बैठ के डरती हैं कि जी हम कैसे अटेस्टेशन कराएँगे और क्या होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप था मेरा बोर्ड का, मैंने बोर्ड से जहाँ से इंटर मैट्रिक किया है वहाँ से मैंने डिग्रीज जो है वो अटेस्ट कराई। अब सेकंड स्टेप IBCC है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद जी। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो IBCC में जमा करवा दिए हैं और कल इंशाल्लाह 11 बजे उन्होंने मुझे टाइम दिया कि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे टेस्ट होकर मिल जाएंगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप HEC होगा। HEC से मैं अपनी BA की, बैचलर्स की और BEd की जो डिग्री है वो टेस्ट करवाऊंगी और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जो है वो फॉरेन ऑफिस जाऊंगी और फॉरेन ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाऊंगी। और उसके बाद फिर मैंने साशा इंटरनेशनल उनसे रब्ता कर चुकी हुई हूँ, फिर सारे जैसे मेरी मास्टर्स डिग्री तो अटेस्टेड है UAE एम्बेसी से, HEC से, फॉरेन ऑफिस से, तो BA तक, मैट्रिक से लेकर BA तक अब मैं करवा रही हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स। तो फिर उसके बाद जो BA और BEd की डिग्रीज़ हैं ये HEC और फॉरेन ऑफिस के बाद फिर मैं UAE एम्बेसी भेजूँगी, जो कि मेरे इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज वर्किंग डेज में मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो ये जो ब्लॉग बना रही हूँ, जैसे जहाँ जहाँ जा रही हूँ आपको इसलिए शूट कर रही हूँ, आपके लिए आसानी हो। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो IBCC के ऊपर मैंने बनाई है कि IBCC ऑफिस से कैसे अटेस्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो देते हैं, ठीक है। तो अगर आज आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह यही कहूँगी, थम्स अप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल से भी बड़ी बड़ी को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, कोई और अप्लाई करना चाहता है तो उसको उसके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये टीचिंग की जॉब के लिए ज़रूरी है UAE में कि आपके मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फुली अटेस्टेड हों, ताकि वहाँ UAE एम्बेसी में आपको UAE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन UAE से फिर ये वेरीफाई होंगे और उसके बाद फिर आपको जाके आपको इक्वलेंसी मिलेगी, ठीक है। तो इसका ये मकसद है। और बाकी थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ आपको, इस्लामाबाद का व्यू। और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, सस्ते खान को दुआओं में याद रखें, हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।